आज परम पूज्य स्वर्गीय गुरुदेव श्याजी उबा के लिए 40वीं वर्षी है। उनके सम्मान में, उनकी याद में ये धर्मसभा आयोजित की गई है। विशाल सूप, यह विशाल सूप उन्हीं की पावन स्मृति में बना है और विश्व के धर्मानुयायी लोगों ने मिलकर इसे बनाया है, जिसमें आपने ध्यान किया है और आगे भी ध्यान करते रहेंगे। 12 के पुरातन इतिहास को हमने भुला दिया, उसे याद करें। भगवान बुद्ध के समय मुख्यतः उनके महापरिनिर्वाण के समय खूब पके हुए भिक्षु और भिक्षुणियों का, आचार्यों का एक समूह था जो लोगों को धर्म सिखाता था। वर्णन है कि उसी समय गृहस्थों का भी एक आचार्य समूह, गृहस्थ पुरुष और गृहस्थ नारी, वे भी भगवान की शिक्षा लोगों को समझाते थे। धीरे धीरे गृहस्थ आचार्यों की संख्या कम होते होते समाप्त हो गई और धर्म प्रशिक्षण का काम केवल पवित्र भिक्षु संघ के हाथ में ही रह गया। अशोक, सम्राट अशोक बना, उसने दूर दूर तक अपना राज्य फैलाया, बड़ी संख्या में लोगों को भगवान बुद्ध की शिक्षा समझाने का प्रयास किया। तीसरा संघायन पूरा करके उसने अनेक देशों में अपने धर्म दूत भेजे। अनंत अवस्था के धर्मदूत भेजे जिन्होंने उन देशों में भगवान बुद्ध की शिक्षा प्रकट की और प्रसारित की। बर्मा में दो महान भिक्षु उत्तर और सोन, उत्तर और सोन नाम के दो अरहंत भिक्षु बर्मा में भेजे गए। वे बर्मा के दक्षिणी तट पर पहुंचे, भगवान का धर्म लोगों को समझाया, उन्हें बहुत पसंद आया,
उनके बताए हुए रास्ते पर अनेक लोग चलने लगे। धीरे धीरे वो सारे ब्रह्म देश में फैलने लगा। अपने यहां दुर्भाग्य से सम्राट अशोक की 3 पीढ़ी के बाद उसके प्रपोत्र को षड्यंत्र द्वारा मार दिया गया और एक विरोधी साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। जो लोग भगवान बुद्ध के विरोधी थे उन्होंने उसका साथ दिया और तब से भारत में बहुत गहरा प्रचार होना शुरू हुआ। जहां पुरातन भारत के यानी अशोक के समय के और उसकी 3 पीढ़ियों तक लोग उसे देवानाम त्रय इस नाम से पुकारते थे, अशोक को देवानाम प्रिय कहते थे। आसपास के देशों में भी वह देवानाम प्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसके राज को एक आदर्श राज मानकर लोगों ने अपने देश में इसी प्रकार का धर्म देश धर्म राज्य स्थापित करने का की प्रार्थना की। आज भी मैं तो बर्मा की बात जानता हूं क्योंकि वहां जन्मा वहां पला और मुझे वहां ही यह कल्याणकारी विद्या मिली। मैंने देखा कि वहां के अधिकांश लोग सुबह सुबह मिलकर जो पाठ करते हैं उसमें एक पद ये बार बार सुनने को आता था, यथा रक्षिंसु पुराणो सुराजानो तथा विमं राजा रक्कतु धम्मेन अत्तनोव पजं पजं। जैसे पुराने राजा और उनका लक्ष्य सम्राट अशोक पर था, जैसे सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा को अपने पुत्रों के समान अपने संतान के समान पाला और उनकी रक्षा की, तो हमारा आज का राजा भी इसी प्रकार अपनी प्रजा को पाले उसकी सुरक्षा करे। इससे सिद्ध होता है कि वहां लोगों के हृदय में अशोक के प्रति कितनी सम्मान की भावना है। अपने देश में उसी अशोक को बदनाम करते हुए ये नारा लगाया गया, देवानाम प्रिय इति च मूर्ख। जो देवानाम प्रिय अशोक को देवानाम प्रिय कहते थे, जो देवानाम प्रिय बड़ा मूर्ख था। मूर्खता ही मूर्खता के बाद सम्मान तो बहुत दूर रहा। तो धीरे धीरे भगवान बुद्ध की सारी वाणी अपने देश से लुप्त हो गई, उनकी साधना विपश्यना
अपने देश से लुप्त ही नहीं हो गई, ये शब्द ही लुप्त हो गया। जब मैं अपने गुरु सियाजी उबासिन के पास गया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भारत की एक बहुत पुरातन और कल्याणकारी विद्या सिखाऊंगा, तो मैं सोचता रहा ये कौन सी विद्या सिखाएंगे। तब उन्होंने ही कहा मैं तुम्हें विपश्यना सिखाऊंगा। विपश्यना ये शब्द ही मेरे लिए नया था। विपश्यना क्या होती है? उन्हें तो कुछ नहीं कहा, घर आकर के हिंदी डिक्शनरी देखी तो विपश्यना नाम का कोई शब्द ही नहीं। मेरे पास जो संस्कृत डिक्शनरी थी उसे भी देखा तो विपश्यना शब्द ही नहीं। अरे हमारे देश से विपश्यना विद्या ही नहीं लुप्त कर दी गई, ये शब्द ही लुप्त कर दिया गया। लेकिन बर्मा में ऐसे अन्य पड़ोसी देशों में पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान की यह शिक्षा चलती रही। बर्मा में एक दृढ़ मान्यता थी कि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण होने के बाद 2500 वर्ष होने पर 2500 वर्ष पूरे होने पर भगवान की शिक्षा और ये विपश्यना विद्या बर्मा से भारत लौटेगी और भारत के लोग इसे बड़े प्रेम से स्वीकार करेंगे, उसके बाद विश्व में फैलेगी। विश्व में भी जगह जगह लोग इसे बड़े प्यार से स्वीकार करेंगे और बड़ा लाभ होगा। भारत में ये विद्या आरंभ तो हुई थी बड़े शुद्ध रूप में, लेकिन धीरे धीरे अनेक लोगों ने जो इस विद्या में माहिर नहीं थे उन्होंने इसे बिगाड़ना शुरू किया। पर ये विद्या अपने शुद्ध रूप में एक शाखा द्वारा गुरु शिष्य परंपरा से जीवित रखी गई। इसी परंपरा में मेरे गुरुदेव सियाजी उबासिन और उनके दादा गुरु भजन लैदी से आलो, उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि हमने भगवान की वाणी को और भगवान की विद्या को इतने शुद्ध रूप में 2000 वर्षों तक संभाल के रखा है और सामने भगवान के परिनिर्वाण का 2500 वर्ष आ रहा है। उस समय उनके विश्वास के अनुसार और अनेक अन्य लोगों के विश्वास के अनुसार भी भगवान की शिक्षा और ये विद्या बर्मा से भारत जाएगी। उन्हें इस बात का बहुत दृढ़ विश्वास था, तो सोच रहे थे कैसे जाएगी, वहां तो बुद्ध की शिक्षा का नामो निशान तक नहीं, विपश्यना का भी
नाम ही नहीं है, कैसे जाएगी, कौन ले जाएगा। इस चिंतन के साथ वे भारत आए कि यहाँ की क्या दशा है उसे समझें। उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ कि अधिकांश लोगों ने बुद्ध की निंदा ही निंदा भरी हुई है। अनजाने हैं, वे जानते हैं बुद्ध की शिक्षा को समझते भी नहीं, फिर भी 2000 वर्षों में देवानाम करिए इतिच मूर्ख इसका नारा लगाने वाले लोगों ने बुद्ध की शिक्षा को बहुत बदनाम किया। ये को देखा, पर ये भी देखा कि उस समय भारत में जो बर्मी भिक्षु थे उनका बड़ा बुरा हाल था। बर्मा से कोई आए तो उन्हें भले दान दे दे, भारत का कोई आदमी उन्हें दान नहीं देता था, बहुत दुर्दशा थी। कोई उनके प्रति सम्मान भी नहीं रखता था। तो लौट कर उन्होंने समझा कि भाई भारत में बर्मा से कोई भिक्षु भगवान बुद्ध की शिक्षा ले जाकर सफल नहीं हो सकेगा, यह काम किसी गृहस्थ को करना पड़ेगा। बड़े दूरदर्शी से किसी गृहस्थ को करना पड़ेगा। भगवान बुद्ध के समय ये प्रामाणिक बात है कि भिक्षु आचार्य और भिक्षुणी आचार्याएं बहुत बड़ी संख्या में थे, पर साथ साथ गृहस्थ आचार्य और आचार्याएं भी थी। लेकिन धीरे धीरे उनकी परंपरा समाप्त हो गई। तो इसने सोचा मुझे अब गृहस्थों को विपश्यना सिखाकर आचार्य बनाना है। ये बड़ी नई बात थी, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन उन्होंने गृहस्थों को विपश्यना सिखानी शुरू की, पर आचार्य पद तक स्थापित किया। उनके बाद सयाते जी आचार्य हुए, इस परंपरा के आचार्य सयाते जी हुए। बहुत गरीब किसान, लेकिन एशिया में पारंगत होकर लोगों को धर्म सिखाने लगे। कुछ भिक्षु भी उनके पास जाके सीखने लगे। उनका आचार्य का जीवन इतना आदर्श जीवन है कि उसको देखकर हमें प्रेरणा मिलती है कि गृहस्थ आचार्य कैसा जीवन जीता है। उसके बाद सयाजी उबाखेन आचार्य हुए, वे सरकारी कर्मचारी थे, आजाद बर्मा के पहले अकाउंटेंट जनरल थे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उन्हें अनेक सरकारी जिम्मेदारियां सौंपी गई। बड़ी ईमानदारी के साथ उन सब को निभाते रहे, बड़ी ईमानदारी के साथ। जिन विभागों में घोर भ्रष्टाचार था वहां पर भ्रष्टाचार को जड़ों से निकाल दिया। लोग खुश हुए, सरकार भी खुश हुई। समय आया, उन्होंने
सरकारी नौकरी छोड़ी, लेकिन सरकार नहीं मान रही, हम तुम्हें रिटायर नहीं होने देंगे, तुम बहुत काम के व्यक्ति हो, अब इस विभाग को संभालो, इस विभाग को संभालो। जहां जहां भ्रष्टाचार था वहां वहां इनके जिम्मे काम दिया गया, और जहां जहां इन्होंने काम संभाला वहां वहां वही परिणाम आए, भ्रष्टाचार जड़ों से निकलना शुरू हो गया। राज्य के प्रधानमंत्री और राज्य के लोग भी बड़े प्रसन्न हुए, तो चाहते थे कि उम्र बढ़ रही है, अब तो मैं रिटायर हो जाऊं। सरकार नहीं मानती थी रिटायर नहीं हो सकते, तो क्या करे, बड़ी हुई उम्र में उन्होंने निश्चय किया कि रंगून के अपने सेंटर में तो शिविर लगाते ही रहे, अब उत्तर बर्मा में जहां कोई सेंटर नहीं वहां जाकर शिविर लगाएंगे। तब मुझे ये पता नहीं लगा, फिर समझ में आया कि उत्तर बर्मा में मांडले में मेमियों में जहां कोई शिविर नहीं, ऐसे स्थानों पर एक जगह धर्मशाला में, एक जगह किसी व्यक्ति के ऊंचे घर की छत पर, खुली छत पर शिविर लगाए। वो जानबूझकर मुझे साथ ले गए, तब तो मैं नहीं समझा, पर धीरे धीरे वे मुझे ट्रेन कर रहे थे कि इस व्यक्ति को भारत भेजेंगे तो वहां सेंटर कहाँ है, ऐसी धर्मशालाओं में ही कहीं ना कहीं शिविर शुरू होंगे, वहीं से बढ़ते बढ़ते सेंटर बनने लगेंगे। मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि ये मुझे आचार्य बनाने वाले हैं। मैं उनके नीचे सहायक आचार्य तो था, क्योंकि बहुत से भारतीय ऐसे आते थे जिनको बर्मी भाषा आती थी, लेकिन धर्म के शब्द इतने गहरे जो उन्होंने कभी सुने ही नहीं, वो नहीं समझते थे। तो मैं उनके चरणों में बैठ करके उनके बर्मी प्रवचन का हिंदी अनुवाद किया करता था। यकायक उन्होंने एक दिन घोषणा की कि हम तुम्हें इस पुरातन परंपरा के आचार्य पद पर स्थापित करते हैं, तुम्हें भारत जाकर धर्म लोगों को सिखाकर उनका कल्याण करना है। मैं आश्चर्यचकित हुआ, मैंने कहा गुरुदेव न मैं दाढ़ी मूछ वाला सन्यासी हूं, न कोई सिर मुटाए हुए भिक्षु हूं, मेरे साथ 10 दिनों तक एक पराया धर्म, उनके लिए तो पराया धर्म, एक पराया धर्म सीखने के लिए कौन आएगा, कौन शिविर लगाएगा, कौन शिविर की व्यवस्था करेगा, कौन खाने पीने रहने की खर्चे की व्यवस्था करेगा, गुरुदेव यह काम मुझसे नहीं होगा। तब वो हंसे, अरे तुम नहीं जा रहे हो, मैं जा रहा हूं, तुम्हारे साथ धर्म जा रहा है, तुम क्यों चिंता करते। गुरुदेव की ये प्रबल इच्छा थी कि जिस भारत ने बर्मा को ऐसा कल्याणकारी धर्म दिया, ऐसी कल्याणकारी विद्या दी जिससे हम लोग निहाल हुए, और आज वहां उस विद्या का नामो निशान नहीं, तो हम पर कर्जा। वो बार बार कहते थे हम पर भारत का कर्जा है, और ये कर्जा मुझे चुकाना है, मुझे चुकाना है, मैं जा करके
इस कर्जा को चुकाऊंगा, यानी जो अनमोल रत्न भारत ने हमें दिया था उसे वापस करूंगा। बहुत प्रबल इच्छा। बार बार कहते थे कि अब 2500 वर्ष हो गए, अब धर्म का डंका बज गया, विपश्चना का डंका बज गया, भारत लौटेगी ही, लोक कल्याण करेगी ही। पर जब मुझे याद जाने की बात की तो मेरा जी घबराया। यहां मुझे जानने वाले करोड़ों के देश में जिन लोगों की लिस्ट बनाई वो 100 भी नहीं हुए, 100 से कम लोग। और मेरे परिवार के भाई बंधु जैसे दुर्भाग्य से वो किसी अन्य साधना में, जिसे मार्ग कहा जाता था, उसमें बिल्कुल रमे हुए। उनको भी विपश्यना अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा ये तो वर्मा ही रहनी चाहिए, भारत क्यों लेकर आए। तो उनका भी कोई सहयोग नहीं, कैसे होगा। गुरुदेव ने कहा था तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, धर्म है ना। और आश्चर्य की बात हुई कि 10 दिन के भीतर भीतर पहला शिविर लग गया, स्थान की व्यवस्था हो गई, प्रबंध करने वाला की व्यवस्था हो गई, खान पान की व्यवस्था हो गई, शिविर लगा। परिणाम तो अच्छे आने ही थे, लोगों को इतना लाभ हुआ जैसे मुझे मेरे पहले शिविर में इतना लाभ हुआ, वैसे यहां के पहले शिविर में बैठने वालों को इतना लाभ हुआ कि बात फैलने लगी। उनके परिवार के लोग, उनके सगे संबंधी, उनमें बात फैली और दबाव पड़ा कि एक और शिविर हो, एक और शिविर हो। यूं एक के बाद एक शिविर लगते हुए भारत में शुद्ध धर्म की गंगा बहने लगी। बहुत कल्याण हुआ लोगों का। मैं बर्मी नागरिक था, बर्मा में ही जन्मा, बर्मा में ही पला, वहां के नागरिक था, वहां का पासपोर्ट लेकर आया था। उस पासपोर्ट पर लिखा था कि यह केवल भारत के लिए अंदोस्त है, माने मैं केवल भारत की यात्रा कर सकता हूं और किसी देश के नहीं। 10 वर्ष पूरे हुए और गुरुदेव का आदेश था कि भारत के लोग इस विद्या को स्वीकार करेंगे और फिर तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम विश्व में जाकर के ये विद्या सिखाओ। विश्व के बहुत लोग भारत में आकर ये विद्या सीख रहे थे और उनका भी दबाव था कि हमारे देश में आकर ये विद्या का प्रचार करो। मैं बर्मी नागरिक, बर्मी पासपोर्ट, मैं जा नहीं सकता था। मैंने मन को दृढ़ करके अपनी नागरिकता बदल ली, भारतीय नागरिक हो गया, भारतीय पासपोर्ट मिला। अब मैं दुनिया में कहीं भी जा सकता हूं और गया भी, स्थान स्थान कर गया। भारत सरकार का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे नागरिकता दी, उन्होंने मुझे पासपोर्ट दिया ताकि मैं विश्व की यात्रा कर सकूं और ये महान विद्या फैला सकूं। धीरे धीरे इतनी फैली कि आज लगभग 160-170 विपश्यना केंद्र भारत में ही नहीं सारे विश्व में लेकर के 160-170 विपश्यना केंद्र हैं। लगभग 1100 लोगों को इस विद्या में प्रवीण करके आचार्य पद दे करके उन्हें जगह जगह भेजा और ये शिविर लगाने लगे भारत में, भारत के बाहर भी। मैं सोचता हूं कि ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, ये सब मेरे गुरुदेव श्याजी उवा सिंह की वजह से हुआ, उनकी प्रेरणा से हुआ, उनके धर्म बल से हुआ। अगर हमेशा
मैं जब उनको याद करता हूँ और हमेशा याद करके नमन करता हूँ, इसी भाव में कि लोग इस भ्रम में न रहें कि मैंने भारत में और विश्व में बुद्ध की कल्याणकारी विद्या फैलाई, विपश्यना फैलाई, इस भ्रम में न रहें। फैलाई तो आपने, सफलता आपकी वजह से मिली। मुझे ख्याल है एक घटना, जब बहुत भारत में रहते हुए बहुत विदेशी लोग आने लगे तो मुझे अंग्रेजी अपने काम धंधे व्यापार में लोगों से मिलने में बातचीत करने में उतनी तो आती थी, लेकिन खड़े होकर के या बैठ करके एक्सटेम्पोर खुला प्रवचन देना कभी नहीं हुआ रहा। इतने अंग्रेजी तो इनमें से 17 लोग डलाउजी में मुझको आग्रह करते हैं कि आप यहाँ आकर के शिविर लगाइए। जब ये हिंदी के शिविर में आते थे तो शिविर के अंत में थोड़े से शब्दों में अंग्रेजी में उन्हें समझा देता था और साधना भी कैसे करनी है ये बता देता था और उतने से ही उनको लाभ होने लगता था। और अब तो वहाँ भारतीय हिंदी वाले तो है नहीं, केवल ये विदेशी हैं और अंग्रेजी में मैं कैसे शाम का भाषण दूंगा, कैसे उनको साधना की ये गहरी बातें समझाऊंगा, वो भी अंग्रेजी में। तो मैंने उनको ना आकर दिया, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती कि मैं आपको शाम का भाषण अंग्रेजी में दे सकूं। उन्होंने गुरु जी का रिपोर्ट किया, किस तरह से गुरु जी काम करते हैं और लोगों को भ्रम होता है कि मैं काम कर रहा हूं। उन्होंने गुरु जी को शिकायत की कि आपने दुनिया में एक आदमी को सिखा कर ले लिया जो भगवान बुद्ध की सही शिक्षा सिखाता है, सिखा रहा है। हम लोग आतुर हैं कि वो आकर के हमें सिखाए। गुरु जी ने मुझे फोन किया, मैंने कहा कैसे जाऊं, मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोल नहीं सकता, कैसे जाऊं। उन्होंने डांटा मुझे, तुम समझते हो तुम सिखा रहे हो, अरे मां होना तुम्हारे साथ, धर्म होना तुम्हारे साथ, चले जाओ। हम उनकी आज्ञा थी, मैं डलाव से चला गया। पहले दिन शाम को धर्म का प्रवचन दिया अंग्रेजी में, बस 15 मिनट गला रुंधने लगा। दूसरे दिन 30 मिनट, तीसरे दिन तो ऐसे ही धारा प्रवाह में बोलने लगा जैसे हिंदी में बोलता हूं। अरे कहाँ से आ गए, भाषा की इतनी जानकारी कहाँ से आ गए। वो जो कहते थे मैं हूं धर्म है वो काम करेंगे, तुम काहे चिंता करो। अरे तो इतना फैलाव जो दुनिया में हुआ पूर्वा सिंह की वजह से हुआ। और मुझे दुख होता है कि जगह गोए जगह जगह गोयनका 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 गोयनका, हमारा गुरु गोयनका ने हमें धर्म सिखाया। पूर्वा सिंह तो भूल गए, उसका कोई नाम ही नहीं जिसने इतना बड़ा काम किया। 2000 वर्षों से खोई हुई विद्या को किसी एक व्यक्ति के बल पर भेजा और संसार में फैलाया। तो हमें कृतज्ञता तो उनके प्रति प्रकट करनी चाहिए, लेकिन नाम ही भूल गए लोग। नाम गलती मेरी है कि इतने वर्षों में शाम के प्रवचनों में कोई 5-7 मिनट कभी उबाकिन का नाम ले लूं। मुझे चाहिए था कि मैं हर प्रवचन में उबाकिन 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 खूब प्रचलित करो इस नाम को। अब मुझे इस बात की शर्म आने लगी
कि मुझे उनको जो सम्मान मिलना चाहिए उससे वंचित किया, तो फिर निर्णय किया कि भविष्य में भी उमासेन को लोग याद करें, इसलिए ये विशाल स्तूप उमासेन की स्मृति में बनवाया। सभी साधकों ने, भारत के नहीं विदेशों के भी साधकों ने, धर्म प्रेमियों ने मिलकर के इतना विशाल स्तूप बनाया और इस उम्मीद से बनाया कि यहाँ भगवान की पावन धातु रखी जाए। थोड़ी सी पावन धातु हमें महाबोधि सोसाइटी से हमें वहां के एक अरंश से, बर्मा के अरंश से, लंका के उस समय के प्रधानमंत्री से जो मिली वो इसमें स्थापित है। उसकी वजह से यहाँ के तरंगे, धर्म के तरंगे बड़े बलवान। यदि भारत सरकार को भी होश आ जाए, क्योंकि भगवान बुद्ध की वाणी है, उनका आदेश है कि हमारे धातु को, शरीर धातु को किसी पगोड़ा में रखा जाए ताकि लोग उसका सम्मान कर सकें, लोग वहां बैठकर के ध्यान कर सकें, लेकिन न जाने क्यों उनके समझ में नहीं आ रहा। ऊपर ऊपर के लोग खूब समझते हैं, पर राज तो ये नीचे वाले जो मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं, राज तो एक्चुअली वो करते हैं। और उनमें से कुछ लोग देवानाम प्रिय इति च मूर्ख है, इस परंपरा वाले हैं, बाधा ही बाधा, समय आएगा, हमको उसकी चिंता नहीं है। लोग आ रहे हैं जो साधक हैं, वो इतने प्रसन्न होते हैं, इतने लाभान्वित होते हैं, दुनिया भर के लोग आने शुरू हो गए हैं, आते जाएंगे आते जाएंगे। ये उबाखिन स्मारक है, विश्व का विशाल पगोड़ा है, विपश्यना होता भगोड़ा है, विपश्यना यहाँ चलती रहे। मुझे इस बात का विश्वास है कि भारत के और विश्व के विपश्य लोग इस पावन स्थली को कायम रखेंगे, इसके पवित्रता को कायम रखेंगे, इसे ध्यान के लिए, विपश्यना के लिए ही इसका उपयोग करेंगे। और सयाजी उबादिन को याद करेंगे, सयाजी युग उबादिन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे। अशोक ने सोन और उत्तर नाम के दो भिक्षु जो वर्मा में भेजे, जो वहां धर्म लेकर गए, आज उनका नाम भूल गए लोग, उनका नाम भूल गए, लेकिन धर्म भेजने वाले अशोक अशोक अशोक, इतनी श्रद्धा है अशोक पर, इतनी कृतज्ञता है अशोक के प्रति, मैं आशा करता हूं और मुझे विश्वास है कि कहीं मेरा नाम न रहे, नाम रहे तो सयाजी उबासेन का रहे। सयाजी उबासेन, सयाजी उबासेन, अरे उन्होंने ये पावन धर्म अपने पूर्ण शुद्धता के साथ बर्मा से भारत भेजा, भारत के लोगों का कल्याण हुआ, भारत से विश्व में भेजा, विश्व के लोगों का कल्याण हुआ। लोग इसे याद करके गुरुदेव सयाजी उबासेन के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करेंगे। माई डियर धम्म सन्स एंड डॉटर्स, आई एम सॉरी आई टुक सो मच ऑफ टाइम इन स्पीकिंग इन हिंदी, अलाउ मी जस्ट टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश फॉर योर बेनिफिट।
in the tradition of pure Dhamma. Pure Dhamma is taught by Buddha. Pure Vipassana as taught by Buddha was maintained in its pristine purity in Myanmar. Although some of them destroyed it, but still a few lines, a very thin line of teacher and pupil maintained it in its pristine purity. There was a strong belief that after 2,500 years of Buddha's Mahaparinirvana, this wonderful Dhamma, in its pristine purity, will go from Burma to India. My teacher, Syaji Yuba King, used to say that we are indebted to India. We have to pay back this debt. We have to pay back this technique of Vipassana and the words of Buddha to Burma. My teacher, Syaji Yuba King, and his great, great Dhamma father, that is Shyaru, was a wonderful person, and he was very sure that 2,500 years are coming and it has to go from Burma to India. Who will take it? He came to India, but unfortunately found that most of the Burmese monks here were in a very wretched condition. People were not giving any respect to them. Sometimes some pilgrims come from Burma and they only give some dana. People have no respect for them. So how the monks will teach Dhamma? During the time of Buddha, there were household teachers also, teachers of Vipassana, teachers of Dhamma. But during history, they were no more. He opened this old tradition and decided to give Dhamma and make the householder as a teacher. The first teacher he made was Sayataji, and he is ideal for us. As a Dhamma teacher, how he lived, wonderful. We got inspiration from his life. And from him, the teachership was gone to my teacher, my Dhamma father, Sayaji Uba Chen. A wonderful person. He was a government servant. And wherever he gave service, he eradicated corruption. So difficult. And corruption was so prevalent. But out of his dhamma, he eradicated. Then he also thought, 2,500 years have come. I have to send somebody to India. And unexpectedly, he decided that I should go to India, take Dhamma and spread it to India. And then, after that, spread to the world. I was astonished. Who will come to me? I am a householder, not a monk, not a sannyasi. Who will come to me? Throughout millions of people in this country, when I made list whom I know, the list was not even reaching 100, less than 100 people. Less than 100 people knew me. And my family members here, they didn't take any interest because they were deeply involved in another part of
after Mahārāja. They were under the impression that the teacher is incarnation of God Almighty. So they were not interested in Vipassana. How I will give any course here? Shyaji said, you don't worry. You are not going. I am going with you. Dhamma is going with you. And it was a wonder that within 10 days, a course was arranged and it was successful. And because it was successful, word started spreading. And one after the other, so many courses. I was a Burmese master with Burmese passport. After 10 years, I wanted to go to the world as per instruction of my teacher. But with Burmese passport, I could not go. Burmese government didn't allow me to go to any other country except India. So I changed my nationality. I became Indian national, took Indian passport and went round India. Went round the world, kept on serving people in this pure Dhamma, pure technique of meditation. Everywhere people got benefited by it. Today more than 165 centers have been established around the world. 1100 teachers are trained to give this technique, teach this technique to those people in different countries. Dhamma is spreading, not because of Goenka. I feel very bad when people talk, Goenka, 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 we are grateful to Goenka, he has given us Dhamma. Wrong. Everyone should feel grateful to Shyaji Ubhakini. Shyaji Ubhakini. The Dhamma arrived in this country and the world by Shyaji Ubhakini. Shyaji Ubhakini. People may remember him for centuries together. That is why a memorial was built. This great pagoda was built as a memorial of Shyaji Ubhakini. Not just a structure for people to see it, but for people to come and meditate here. Already there are some relics which we receive are there at the top, and more we expect from the India government. Vibrations already are so good, people get so much benefit. May Dhamma spread. May this grand pagoda and the grand Dhamma hall generate vibrations for the good of the people, for the benefit of people. And people remember my Dhamma father, Shyaji Ubhakini, Shyaji Ubhakini, Shyaji Ubhakini. May all of you be successful. May all of you be benefited by the Dhamma sent by Shyaji Ubhakini. May all of you be grateful to Shyaji Ubhakini who sent pure Dhamma not only to this country but round the world. Round the world. May you all be happy. May you all be successful. May you all be free from all the miseries of the life, life and death, life and death. Sarvika Mangale, Sarvika Mangale, Sarvika Mangale. Hoye Tira Mangal, Tira Mangal, Tira Mangal, Hoye Vidite.
ज्योत प्रकाश हो